पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार का जादू एक बार फिर से चल गया, या रुपौली चुनाव में किसी और की होगी जीत, इस बात को लेकर के अब जैसे ही वोटिंग खत्म हुई उसके बाद से आंकड़ों को गणित बैठाया जाने लगा। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा का उपचुनाव कल ही समाप्त हुआ है, वोटिंग हो गई है और लगभग 53% के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान कहा जाए तो हो गया है और उपचुनाव में कुल लगभग 52.75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उसके बाद से लगातार अब चर्चाएं जारी हैं। उपचुनाव में करीब 8.5% कम मतदान हुआ है और इसके साथ साथ 2020 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 61.19% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें बीमा भारती की जीत हुई थी, जबरदस्त लड़ाई हुई थी और त्रिकोणीय मुकाबला 2020 में भी हुआ था। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में थे और इनमें से एक महीना से 10 पुरुष प्रत्याशी सम्मिलित थे और एक महिला थी। इस सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं, लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार 2020 से कम वोट होने के बाद भी अब आंकड़ों का गणित बैठाया जा रहा है और आंकड़ों के गणित में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि पप्पू यादव को इस बार चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पप्पू यादव इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएंगे, जिनको लेकर के लगातार चर्चाएँ भी चल रही थी और पप्पू यादव का एक्शन भी दिखाई दे रहा था। एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आई कि इस पूरी कहानी में एक बात ये थी कि पप्पू यादव ने लास्ट टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताई कि वो अपना समर्थन जिस गठबंधन को वो समर्थन कर रहे हैं उसी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल से उनका समर्थन करते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ अब एक बात तो साफ हो गई है कि इसमें जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा था, वहीं अंतिम समय में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का जो प्लानिंग था वो सफल हुआ और पप्पू यादव जो इधर उधर कर रहे थे वो साफ नज़र आए। इस पूरी कहानी में एक बात और सामने नज़र आई कि चुनाव को लेकर के और जीत हार को लेकर के अपने अपने दावे जरूर हो रहे थे, वहीं आपको बता दें कि कलाधर मंडल को लेकर के पूरी एनडीए लगातार वहाँ कैंप कर रही थी और कई मंत्रियों ने वहाँ अपना डेरा डाल दिया था। नीतीश कुमार के कई मजबूत नेता उस क्षेत्र में अपना कैंप लगाए हुए थे। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सहित चिराग पासवान ने भी इस पर प्रचार में कोई कमी नहीं रखी थी और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना 100% देने की बात कही थी, दिया भी। और इन सब के बाद अब जबकि वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में कैद हो चुका है जनता का मत, उसके बाद से चर्चाएं तेज हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव में रुपौली के सीट का रिजल्ट जनता ने आउट कर दिया, जिस तरह के माहौल नज़र आ रहे थे उसमें बीमा भारती और कलाधर मंडल से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा साइन कर रहे थे शंकर सिंह। शंकर सिंह को लेकर के कहा यह जा रहा है कि शंकर सिंह ने शुरुआती दौर में भी जिस तरह से 2020 में प्रदर्शन किया था और एक बार वो कुछ काल समय के लिए वहाँ के विधायक रह भी चुके हैं, उनको इस बात का अनुभव था और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपनी तैयारियां भी की थी। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने पर्चा भरा था और ये दावा किया था कि पप्पू यादव का समर्थन उनको प्राप्त है, लेकिन पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन दिया उसके बाद से मामला कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन शंकर सिंह ने उन सारे मामलों को अपने तरफ खींच करके रखा। मुख्य लड़ाई कहा यह जा रहा है वहाँ के, अगर फीडबैक की बात करें और हमारी टीम जो वहाँ से काम करके आई है, जो लोगों से बातचीत किया है उसके आधार पर, लोग बीमा भारती का नाम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। पोलिंग बूथ पर जाते ही लोगों ने अपना मन बदला है और जिस तरह से पूर्णिया का चुनाव हुआ है उसी तरह से कहा जा रहा है कि ये मामला बहुत कांटे का है, कोई भी जीत और हार सकता है। शंकर सिंह की बात करें तो शंकर सिंह ने कड़ा टक्कर इन दोनों जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको दिया है और ये दावा कोई भी नहीं कर पा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यानी कि यहाँ का जो रुपौली का चुनाव है वो
एक अलग तरह का अब माहौल पैदा कर चुका है और इसके हार जीत पर बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों गठबंधन से अगर उम्मीदवारी तय जो की गई थी उसके हिसाब से अगर कोई नहीं जीतता है, अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाता है तो इसके मायने क्या निकाले जाए। 2025 के चुनाव को लेकर के यहाँ के जीत और हार को बड़ा मायने रखा जा रहा था और उसको जोड़ कर देखा जा रहा था आने वाले मुख्य चुनाव से। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में जनता ने वोट दिया है वो क्लियर हो जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।